नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के बारे में कि उन्हें अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ फूड्स खाना फ़ायदेमंद होता है तो वहीं कुछ फूड्स को खाने से नुकसान भी पहुँचता है। आजकल हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बहुत आम बात हो गई है। यह एक ऐसी स्थिति है जब नस की दीवारों पर ब्लड का दबाव बढ़ जाता है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खान पान, तनाव, चिंता आदि। यदि आप समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो हृदय से जुड़ी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को अधिक मात्रा में तैलीय या फिर मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर को और अधिक बढ़ा देता है। नमक जितना हो सके कम मात्रा में खाने की कोशिश करें। खाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि खाने में पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम हो। हाई बीपी वालों को चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें कैफीन अधिक मात्रा में मौजूद होता है जो नुकसान भी कर सकता है। चिप्स, कैंडी, कुकीज़ जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इससे नुकसान पहुँच सकता है। अब बात करते हैं हमें क्या खाना चाहिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ओट्स के साथ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ओट्स में ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं बल्कि और भी कई बीमारियों में मदद करते हैं। पिस्ते में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की क्षमता होती है। ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन बिना नमक वाले 25 पिस्ता ज़रूर खाएँ। अनार को एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का अच्छा स्रोत माना गया है। इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अनार का फ़ायदा होता है। डॉक्टरों के अनुसार जिन्हें हाई बीपी की समस्या है उन्हें हर कुछ दिनों में या कुछ दिन के अंतराल में एक दो गिलास अनार का जूस ज़रूर पीना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।